जय जिनेन्द्र, अलग अलग विषयों के माध्यम से जुड़ते हुए हम हमारे इस भव्यति भव्य भक्तामल चातुर्मास के मिड तक आ चुके हैं, जिसके अंदर नेक्स्ट हमारा जो सेशन है पूरा भक्तामल कायाकल्प जो गुरु जी डिजाइन कर रहे हैं, मैं डिजाइन कर रही हूँ, उसके अनुलक्ष में आपको हमें कुछ अलग चीज देनी है, कुछ योगा के बारे में बताना है। तो उसी के चलते आज हमने योगा का ये भव्य के भव्य अलग एक कार्यक्रम रखा है, स्पेशल गेस्ट को हमने बुलाया है। तो योग के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि योग भारतीय ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी शैली है, जो मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता विकास करने का एक गहन विज्ञान है। योग विज्ञान में जीवन शैली को अगर हम पूर्ण आत्मसात कर ले तो वो हमें हर प्रकार की ऊंचाई दे सकता है, फिर चाहे आध्यात्मिक ऊंचाई हो, आर्थिक ऊंचाई हो, या आपको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है। योग करने से आपके हर एक प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। पतंजलि के योग सूत्र का अष्टांग योग की जो जैन धर्म की भी 5 प्रतिज्ञाओं को दर्शाता है, वो बताता है कि योग का अर्थ है एकता, या फिर बांधना, जोड़ना, समत्व करना। तो ये जो एकता है वो है आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान। तो अलग अलग अभ्यास के माध्यम से हमें ये योग करने की क्षमता हमारे अंदर प्राप्त होती है। हमारे भक्तामल चातुर्मास के अंदर हमने अभी जैसे मैंने बोला शुरुआत में कि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, गुरुजी स्पेशली उसके लिए साधना कर रहे हैं कि कायाकल्प के लिए हम क्या मॉड्यूल डिजाइन कर सके। पूरा उसका हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि आप लोगों के सामने उसको कैसे हम रख सके ताकि आपको उसका बेस्ट बेनिफिट मिल सके। तो जिसके अंदर हम योग, ध्यान, प्राणायाम, इसके माध्यम से शरीर की जकड़न, मन की अकड़न, इसको हमें दूर करना है। क्योंकि जब तक हमारे शरीर की और मन की जकड़न और अकड़न दूर नहीं होगी, हीलिंग एनर्जी भी काम नहीं करेगी। तो इस जकड़न और अकड़न को दूर करने के लिए हमारे रोम रोम में दादा आदिनाथ की डिवाइन एनर्जी को बसाने के लिए और सभी भक्तामल हीलरों को सही मायने में हर एक 360 एंगल जिसे बोल सकते हैं, उस 360 एंगल में आगे बढ़ाने के लिए आज की हमारी श्रृंखला में हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं श्री जैस्मिना बेन दोषी की, जो QCI सर्टिफाइड योगा ट्रेनर है, पावर योगा, एक्यूप्रेशर इत्यादि में वो हेल्थ के फील्ड में काम कर रही है। और जैस्मिना जी हमारे साथ भक्तामल चातुर्मास में भी जुड़ी हुई है, साथ साथ में हमारे जो खास भक्तामल हीलर है, हमारे फर्स्ट बैच के भक्तामल हीलर जिग्ना बेन, उनकी वो अच्छी कल्याण मित्र है। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सुनते हैं जैस्मिना जी को कि वो योग के बारे में क्या बताना चाहती है, उसमें से आप लोग मैक्सिमम क्या ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं जैस्मिना जी को। जैस्मिना जी नमस्कार, वितराग प्रभु को मेरा वंदन, गुरु जी को प्रणाम, पूजा जी को भी प्रणाम, और आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जिग्ना को धन्यवाद मुझे ये लाभ देने के लिए। हम पहले शुरुआत नौकार मंत्र से करेंगे, प्रार्थना से। सभी लोग किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाए, पद्मासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, या फिर पलाटी मार के सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जैसे जो भी कंफर्टेबल है वैसे बैठ जाए। बैक सीधी, दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद, सभी मेरे साथ नौकार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सीताणम्, ओम नमो आयरियाणम्, ओम नमो नमो लोए सवसाऊनम्, एको पंच नमो
हम अभी नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। नेक मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले सभी को मैं बता देती हूँ कि जिसको भी हाई बीपी है, लो बीपी है, वर्टिगो है या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो उन्हें संभाल के करना है और आगे बैंड में बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी सारी दिशाओं में कर सकते हैं, लेकिन आंखें खुली रखना है और सजगता से करना है कि जैसे चक्कर वगैरह अगर किसी को आने लगे, मतलब अगर एट प्रेजेंट अभी किसी को है तो उनको नहीं करना है। अभी नहीं है लेकिन बीपी का प्रॉब्लम है तो भी संभाल के करना है। ओके, बैक स्ट्रेट रखेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर लेके जाएंगे, जितना जा सके उतना जाएंगे और आगे की नेक में स्ट्रेच फील करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को आगे लेके आएंगे और चिन को चेस्ट की ओर लेके जाएंगे और टच करेंगे और बैक के पीछे की साइड स्ट्रेस फील करेंगे। वापस सांस लेंगे, धीरे से संभाल के ऊपर जाएंगे, वापस सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। और एक बार सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, जितना जा सके उतना जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। इससे नेक में जो भी नर्व है वो फ्री होती है, मसल्स भी फ्री होंगे। अभी हम सेंटर में ही सांस ले लेंगे, इनहेल कर लेंगे, फिर एक्सहेल करते हुए सिर को राइट की ओर घुमाएंगे, वापस सांस लेते हुए बीच में आएंगे सेंटर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। अगेन इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। और एक बार करेंगे, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। Now inhale center and exhale. Bend your head to your shoulder. सिर को कंधे की ओर लेके जाएंगे, लेकिन कंधा नहीं उठाना है, सिर को लेके जाएगा, जितना जाएगा उतना ही लेके जाना है और साइड में स्ट्रेट फील करना है। अगेन इनहेल आप, एक्सहेल बेंड टू लेफ्ट, इनहेल आप, एक्सहेल बेंड to right, inhale up, exhale bend to left। वहीं से हम next movement circle करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, वापस सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और एक बार सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। नाउ रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा करेंगे, वापस सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर हम ब्रीदिंग के साथ करेंगे, सांसों के साथ करेंगे तो उसका हमें अधिक फायदा मिलेगा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Last time, inhale up,
ऐसे जान। ओके, शोल्डर रोटेशन। अभी हम शोल्डर रोटेट करेंगे, वो भी सांसों के साथ करेंगे। सांस लेंगे, शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। कोशिश करेंगे कि पूरा सर्कल हो पाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and last 10. Now reverse, पीछे से आगे लेके आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, पूरे दिन की थकान मिट जाएगी, पूरे मसल फ्री हो जाएंगे और बहुत ही रिलैक्स फील होगा। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 9, and last time, 10. ओके, दोनों हाथों को फिंगर्स से लॉक करेंगे। जो हाथ ऊपर है वही साइड हम खींच के ऊपर लेके जाएंगे, फिर वापस सर्कल करके नीचे। इसमें भी जब ये ऊपर जाएंगे तो सांस लेनी है और नीचे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए आना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and last 10. वेरी गुड। अभी हाथ चेंज करेंगे, पहले राइट हैंड ऊपर था, अभी लेफ्ट हैंड ऊपर ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से घुमाएंगे। वापस सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and last 10. Okay, relax. Wrist rotation करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे हम अंदर और चारों उंगलियां उसके ऊपर। रिस्ट रोटेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and last 10. रिवर्स, उल्टा करेंगे। 1, 2, 3, 4. कभी भी आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है, सारे जॉइंट्स को फ्री करना है ताकि आसन इजीली हो पाए और कभी कुछ हार्म ना हो पाए। 7, 8, 9, and the last 10. ओके, दोनों हाथ शोल्डर्स की लाइन में सीधे करेंगे। देन 10 टाइम मूवमेंट। 1, 2, 3, 4, and last 5. 5 बार करेंगे। फिर रोटेशन करेंगे, एल्बो को टच, कोहनी को टच करके ऊपर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, then reverse, उल्टा जाएंगे। 1, 2, 3, 4, and last 5. ओके, अभी सभी लोग पैरों को सीधा कर देंगे, बैक भी स्ट्रेट रखेंगे, सीधा दंडासन में बैठना है। एंकल मूवमेंट करेंगे, पहले पैरों को अपोजिट दिशा में खींच के रखेंगे, वापस अंदर खींच के लाएंगे।
फाइव टाइम मूवमेंट करेंगे, दो थ्री फोर फाइव, ओके। नाउ साइड में और अंदर, वन टू थ्री फोर एंड लास्ट फाइव। वापस दोनों पैरों को जोड़ के रोटेशन, वन टू थ्री फोर एंड लास्ट फाइव रिवर्स, वन टू थ्री फोर एंड लास्ट फाइव। फिंगर्स को बेंड करेंगे, यहाँ पे भी हमारी सारी नर्व्स जो है वो कभी जम जाती है, तो इसे मूवमेंट करते रहना बहुत जरूरी है। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड लास्ट टेन, ओके। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लेंगे नीचे से और मूवमेंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड लास्ट टेन। सेम थिंग विथ लेफ्ट लेग, दूसरे पैर से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड लास्ट टेन, ओके। अब पैरों को एक हाथ नी के पास, एक हाथ पीठ के पास और मूवमेंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, हिप जॉइंट को फ्री करने के लिए, सेवन एट नाइन एंड लास्ट टेन। नाउ लेफ्ट लेग, वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन एंड लास्ट टेन, ओके। दोनों पैरों में गैप कर देंगे, चक्की संचालन, दोनों फिंगर हाथों की फिंगर्स को लॉक करेंगे और चक्की चलाएंगे, पूरा जितना हो सके उतना नीचे जाना है, वापस आके पीछे की ओर आना है, टू थ्री फोर फाइव देन रिवर्स, वन टू थ्री फोर एंड लास्ट फाइव, ओके। अभी सभी लोग खड़े हो जाएंगे, वेस्ट रोटेशन करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर देंगे, दोनों हाथ वेस्ट के ऊपर और रोटेट करना है, ऐसे करना है कि पूरा बॉडी नहीं घूमना चाहिए, शोल्डर फिक्स रखना है, ट्राई करनी है कि सिर्फ वेस्ट को ही रोटेट करना है, सिक्स सेवन एट नाइन एंड लास्ट टेन, देन रिवर्स, वन टू थ्री फोर एंड लास्ट फाइव, ओके। ताड़ासन करेंगे, ओके। ताड़ासन करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, साथ में
पैरों की एड़ी को भी ऊपर खींचना है, बैलेंस रखते हुए सांसों को देखेंगे, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, सांस छोड़ते हुए स्लोली कम डाउन, धीरे से नीचे आएंगे, वापस सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैरों की एड़ियां भी ऊपर, हाथों को फिंगर्स लॉक करके पाम्स ऊपर की तरफ और ऊपर खींच के रखेंगे, इससे बहुत ही अच्छा बॉडी को स्ट्रेच मिलता है, स्पाइन के वर्टीब्रास एक 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 करके खुल जाते हैं, पैरों में भी अच्छे से काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, सारे मसल्स में अच्छे से तनाव मिल खिंचाव मिलता है और बहुत ही फायदेमंद है। सांस छोड़ते हुए स्लोली नीचे आएंगे और एक बार करेंगे वापस, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों एरिया भी ऊपर, 10, 9, 8, 7, हो सकता है सभी से बैलेंस नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, 5, 4, 3, 2, and 1, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे एंड रिलैक्स। ओके, कोणासन करेंगे दोनों पैरों में, थोड़ा गैप, राइट हैंड सांस लेते हुए स्लोली ऊपर लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड को स्लोली स्लोली नीचे सरकाते हुए जाएंगे और लेफ्ट की ओर बेंड करना है, और इसमें खास ध्यान रखना है कि बॉडी अलाइनमेंट में सीधा जाए, आगे नहीं जाना चाहिए नहीं तो पीछे स्ट्रेच मिलेगा, तो पीछे स्ट्रेच नहीं देना है हमें, साइड में स्ट्रेच देना है। ओके, 5, 4, 3, 2, and 1, ओके, सांस लेते हुए राइट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए स्लोली नीचे लेके आएंगे। ओके, अभी दूसरी ओर लेफ्ट हैंड को सांस लेते हुए ऊपर ऊपर खींचेंगे, हाथ को खींचेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट की ओर बेंड करना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, ओके, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, जिससे जितना होता है उतना ही करें, खींच तान के नहीं करें। ओके, वापस राइट हैंड सांस लेते हुए ऊपर ऊपर खींचेंगे, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, अभी सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर बेंड करना है, साइड में अच्छे से स्ट्रेच फील करना है और सांसों को देखना है, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, प्राण धारणा सांसों को देखना है। ओके, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए स्लोली कम डाउन, नाउ लेफ्ट हैंड अगेन, सांस लेते हुए ऊपर, हाथ को ऊपर की ओर खींचना है, खींचिए हाथ, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, अभी लेफ्ट राइट की ओर बेंड करना है, खींच के रखेंगे, 10, 9, 8, 7, 6,
फाइव फोर थ्री टू एंड वन, वेरी गुड। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कटी चक्रासन करेंगे, वो भी बहुत ही फायदेमंद है स्पाइन के लिए। हमारे स्पाइन को सारी दिशा में मूवमेंट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पाइन और ब्रेन कनेक्टेड है और उसी में से सारे नर्व्स निकल के हमारे सारे ऑर्गन्स अवयवों में जाके मिलते हैं। तो जितना हमारा स्पाइन हेल्दी रहेगा तो उसके साथ साथ सारे ऑर्गन्स, ब्रेन सब हेल्दी रहेंगे। तो हम लोग ने पहले ताड़ासन करके स्पाइन को पूरा ऊपर की ओर खींचा, एक 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 वर्टिब्रा को फ्री किया। उसके बाद कोणासन किया तो स्पाइन को हमने दोनों साइड मूवमेंट दिया। अभी कटी चक्रासन करके ट्विस्ट देंगे स्पाइन को, ताकि स्पाइन के वर्टिब्रास भी फ्री हो और सारे मसल्स को भी अच्छा मसाज मिलेगा। अभी उसके लिए है राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर राइट हैंड रखेंगे और लेफ्ट हैंड हमें पीछे रखना है कमर पे। ओके, दोनों पैरों में वापस थोड़ा गैप। अभी राइट हैंड हम लोग ने लेफ्ट शोल्डर पे रखा है, तो पहले जगह पे सांस ले लेंगे। इनहेल, सांस छोड़ते हुए सिर्फ अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है, ऊपर के बॉडी को ट्विस्ट करना है, पैरों को ट्विस्ट नहीं करना है, नहीं तो नी में पेन हो सकता है। सिर्फ ऊपर की बॉडी को ट्विस्ट करके रखेंगे, आंखें बंद करके सांसों को देखेंगे। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. सांस लेते हुए सेंटर। नाउ चेंज योर हैंड, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे, राइट हैंड पीछे बैक पे। वापस जगह पे सांस ले लेंगे। इनहेल और सांस छोड़ते हुए सिर्फ अपर बॉडी ट्विस्ट करना है। आंखें बंद, रिलैक्स योर माइंड। सिर्फ सांसों को आते हुए जाते हुए देखेंगे। इसे प्राण धारणा कहते हैं, प्राण को धारण करना है। प्राण अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, सिर्फ उसे देखना है। ओके, सांस लेते हुए स्लोली वापस आएंगे। अगेन सेम, राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड पीछे। वापस जगह पे सांस ले लेंगे। इनहेल और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट योर अपर बॉडी, जितना हो सके मैक्सिमम ट्विस्ट करना है, अच्छे से स्ट्रेच मिलेगा, स्पाइन को ट्विस्ट मिलेगा। अगेन आंखों को बंद और सांसों को आते जाते देखना है, मन को रिलैक्स करना है। ओके, सांस लेते हुए वापस आएंगे और एक बार करेंगे। राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट हैंड बैक पे आएगा। यहीं पे सांस ले लेंगे। पहले सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट योर बॉडी टू राइट हैंड साइड। क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर माइंड एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। 5, 4, 3,
1 सांस लेते हुए सेंटर फॉर द लास्ट टाइम, एक लास्ट टाइम करेंगे. राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड पीछे, सांस ले लेंगे. सांस छोड़ते हुए टर्न टू लेफ्ट हैंड साइड, आंखों को बंद रखते हुए सांसों को देखेंगे. टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन. सांस लेते हुए आगे आएंगे एंड रिलैक्स. चार पांच नॉर्मल ब्रीदिंग ले लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे. अभी हम लोग करेंगे हस्त पादानासन. उसके लिए दोनों पैरों को साथ में जॉइंट करना है. हाथों को सांस सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे. खींचिए पूरा ऊपर खींच के सांस छोड़ते हुए धीरे से बैंड होना है, लेकिन बैक से बैंड हो गए. स्पाइन को कर्व नहीं करना है, जैसे ऐसे कर्व नहीं करना है, जितना भी जा सके उतना, लेकिन बैक से ही बैंड होके नीचे जाना है. और जिसे भी वर्टिगो या बीपी या प्रॉब्लम है, चक्कर का प्रॉब्लम है, वो ज्यादा ना झुके, आंखें खुली रखे. ओके, वापस करेंगे. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, सांस छोड़ते हुए स्लोली स्लोली गो डाउन. और नीचे टच करना है तो को टच करना है, लेकिन अगर किसी का नहीं पहुंच रहा है तो जहां पे भी पहुंचे वहां पे हाथ रख के अगेन रिलैक्स एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग. सांसों को देखना है नीचे जाके, ऊपर नहीं आना है. 5 काउंट्स 5 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे हम लोग, जो भी रुक सके. अगर किसी को प्रॉब्लम है और नहीं रुके तो नो प्रॉब्लम. ओके, और एक बार करेंगे. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, टो को टच करेंगे. हस्त पादानासन, इससे स्टमक में एब्डोमेन में अच्छे से प्रेशर मिलता है और हम उसी पोजीशन में पोस्चर में फाइनली पहुंच के अगर ब्रीदिंग लेंगे छोड़ेंगे तो अंदर अच्छे से सारे ऑर्गन्स को मसाज मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन मिलता है और सारे ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं, जैसे लीवर, किडनी, हमारी इंटेस्टाइन, स्प्लीन, सारे ऑर्गन्स को अच्छे से मसाज मिलता है. ओके, सभी लोग बैठ जाएंगे वापस. एवरीवन सिट डाउन. ओके, अभी मैं डायबिटीज के लिए मंडूकासन करवा रही हूँ, जो डायबिटीज के लिए बहुत ही बेस्ट है. और ना ही सिर्फ डायबिटीज, एक्चुअली इसके बहुत सारे फायदे हैं. कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ओवरीज, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है. उसके लिए हमें वज्रासन में बैठना है. लेकिन जिसे भी नी का प्रॉब्लम है, नी पेन है और नहीं बैठ सकते, वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, उसे उतना ही फायदा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, वज्रासन में बैठ के या चेयर पे बैठ के, जैसे भी कंफर्टेबल है बैठ के मुट्ठी बनानी है. नेवल है, नेवल हमारी जो दुट्टी है उसके आजू बाजू में दोनों मुट्ठी बना के रखनी है.
पहले हम लोग सांस ले लेंगे, स्लो एंड डीप ब्रीथ, पूरी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सिर को ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं ले जाना है, लास्ट ये पोजीशन में जाके वापस सांसों को देखना है, और जैसे ही हम सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, इसी स्टमक मूवमेंट की वजह से सारे जो अंदर ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, सारे ऑर्गन्स को अच्छे से मसाज मिलता है और एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे भी इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ये आसन करने से हमारे पेनक्रियास एक्टिव होते हैं और अपने आप इंसुलिन बनना चालू हो जाता है। अब सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे, सेम थिंग अभी और दो बार करेंगे हम लोग, वापस मुट्ठी बना के नेवल के आसपास सांस ले लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सिर को ऊपर ही रखना है, गहरी सांस लेंगे और स्लोली स्लोली सांसों को छोड़ेंगे, और स्टमक मूवमेंट फील करना है, सारे अंदर ऑर्गन को अच्छे से मसाज हो रहा है वो फील करना है। 5, 4, 3, रुकना है वहां पे 10 सेकेंड्स के लिए, 3, 2, and 1, सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे, और एक बार करेंगे लास्ट टाइम, अगेन मुट्ठी बना के नेवल के आजू बाजू रखेंगे, सांस ले लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, जस्ट फील द स्टमक मूवमेंट। अगर कोई ज्यादा 10 सेकेंड के लिए नहीं रुक सकता है तो 5 सेकेंड रुक के भी, हम लोग जो 3 का सेट कर रहे हैं वो 5 का भी सेट कर सकते हैं और धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। ओके, सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे, ओके, हम लोग अर्ध मत्स्येन्द्रासन करेंगे। उसके लिए लेफ्ट लेग को राइट हाइप के नीचे, राइट हिप्स के नीचे सेट करना है और राइट लेग को खड़ा करेंगे, ओके। जिसे भी नी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बेंड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं इजी वे बता रही हूँ ये बताने के बाद, ओके। राइट लेग खड़ा किया है तो लेफ्ट लेग से हम लोग उसे टाइटली पकड़ लेंगे, बैक को स्ट्रेट रखना है, राइट हैंड सांस छोड़ते हुए पूरा घुमाते हुए पीछे हिप के पास लेके जाएंगे, बैक स्ट्रेट रखना है, ओके, बैक को कर्व नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है, वहीं पे जाके 10 सेकेंड के लिए रुकेंगे और सांसों को देखेंगे। इससे जो हमें प्रेशर मिलता है, राइट लेग हम लोग को हमेशा पहले करना चाहिए, क्योंकि स्टमक में जो प्रेशर मिलता है तो हमारी जो आते हैं, इंटेस्टाइन है, एस्केंडिंग एंड डिस्केंडिंग चैनल्स जो है, पहले यहाँ पे प्रेशर मिलेगा, फिर हम लोग लेफ्ट लेग लेंगे तो वहां से प्रेशर मिलेगा, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है। ये पोस्चर में धीरे धीरे हम लोग मेडिटेटिव पोस्चर भी से बोलते हैं, मेडिटेशन में जा सकते हैं। 3, 2, and last 1, रिलीज, ओके। अभी लेफ्ट लेग नीचे जाएगा, राइट लेग को
खड़ा करना है, लेफ्ट हैंड से करेंगे। अभी जिसे नी प्रॉब्लम है वो लोग ज्यादा बेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्ट्रेट ही रखेंगे, दंडासन में बैठ के दोनों पैर स्ट्रेट रख के सिर्फ स्पाइन को ट्विस्ट करना है, या फिर थोड़ा बेंड कर सकते हैं तो वो एक पैर को सीधा रख के एक पैर को बेंड करके भी कर सकते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, वापस राइट हैंड साइड करेंगे। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन रिलीज। वापस आएंगे, दूसरी और करेंगे वापस। वेरी गुड। नहीं, जो पैर हम लोग ने बैंड किया है ऑपोजिट हाथ से पकड़ना है। यस, वेरी गुड हीना जी। हाँ, ऑपोजिट हैंड से उसे पकड़ के ट्विस्ट करना है ताकि अच्छे से स्ट्रेच मिले स्पाइन को, और स्टमक पे भी, पेट पे भी प्रेशर आना जरूरी है। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन। ओके रिलीज। दोनों पैर सीधे करके बैठ जाएंगे, पश्चिमोत्तानासन करेंगे। दंडासन में दोनों पैर सीधे, बैक स्ट्रेट। ये भी डायबिटीज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही लाभदायक है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए स्लोली कम डाउन, और पैरों की उंगलियों को पकड़ के रखेंगे। अगेन आंखों को बंद करके रिलैक्स, और सिर्फ सांसों को देखना है, वहां रुकना है, 10 सेकेंड रुकना है, वापस नहीं आना है। ओके, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन। सांस लेते हुए इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल स्लोली हैंड्स डाउन। ओके, पश्चिमोत्तानासन और दो बार करेंगे हम सेम। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, सांस छोड़ते हुए बेंड फ्रॉम योर वेस्ट, उंगलियों को पकड़ के रखना है। ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग एंड होल्ड देयर फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए वहां रुकेंगे और ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करेंगे। फाइव फोर थ्री टू एंड वन। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ओके, और एक लास्ट टाइम करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। कैसे तो होल्ड देयर फॉर 10 सेकेंड। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, सांसों को देखना है, समर्पण भावना रखनी है,
अपने आप को समर्पण करना है, रिलैक्स करना है मन को। ओके, इनहेल एंड कम आउट। ओके, सीधा लेट जाएंगे। अभी लेट के करेंगे कुछ आसन। लाई डाउन ऑन योर बैक, सीधा लेटेंगे। पहले पवन मुक्त आसन करेंगे एक एक पैर से। सांस लेते हुए राइट लेग सीधा ऊपर, और जिससे मतलब उम्र वाले हैं सीधा नहीं जा पा रहा है वो बैंड करके भी इजीली ले सकते हैं। पवन मुक्तासन, जो कोई भी जात के गैसेस वगैरह अगर भर जाते हैं स्टमक में तो उसे रिलीज करने के लिए है, उसका नाम भी है पवन मुक्तासन। ओके, जो भी कर सकता है उसे स्लोली आराम से नेक उठाना है और नी को टच करना है। जिससे हो रहा है वो गले को नेक को संभाल के आराम से लाएगा। उधर होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। सांस लेते हुए इनहेल, पैरों को सीधा करेंगे, एक्सहेल सीधा स्लोली नीचे। अभी लेफ्ट लेग लेंगे सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए बैंड करेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, पेट की ओर खींच के रखेंगे और जिससे होगा वही करेंगे। नेक ऊपर उठा के नोज को टच करना है नी पे, लेकिन नेक को संभाल के करना है आराम से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। सांस लेते हुए पैर को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए स्लोली कम डाउन। दोनों पैर साथ में करेंगे, दोनों पैर सांस लेते हुए ऊपर बैंड करेंगे, दोनों पैर दोनों हाथों से पकड़ के पेट की ओर खींचेंगे। अगेन, जिससे होता है वो नेक को संभाल के ऊपर लेगा और नी को टच करने की कोशिश करेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, relax। ओके, दोनों पैरों को बैंड करके ही रखना है और दोनों हाथ हिप्स के पास रखेंगे, पैरों को पास में ले लेंगे हिप्स से। सांस लेते हुए ऊपर लेना है कमर को, केतु बंधासन, ब्रिज पोज भी बोलते हैं इसे। इससे भी अगर किसी को वो नेक का प्रॉब्लम है तो संभाल के करना है। यहाँ 10 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए रुकेंगे और सांसों को देखेंगे, स्टमक मूवमेंट फील करेंगे। 5, 4, 3, 2, and 1। ओके, सांस छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स वापस करेंगे। सांस लेते हुए आराम से स्लोली कमर को ऊपर उठाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, उसे देखेंगे और स्टमक मूवमेंट फील करेंगे। जिससे जितना जाता है उतना ही आराम से लेके जाएंगे, तान के नहीं करना है, संभाल के करना है। 5 4 3 2
4, 3, 2, and 1 साथ छोड़ते हुए slowly come down. ओके अभी हम लास्ट आसन लेंगे. नाउ लाई डाउन ऑन योर स्टमक, पेट के बल सो जाएंगे. दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे. थोड़ा रिलैक्स, दोनों पैर साथ में, पैरों को ज्वाइंट कर लेंगे. सांस लेते हुए स्लोली स्लोली ऊपर जाना है और एल्बो को बाहर की ओर नहीं रखना है, अंदर की ओर रखेंगे. सांस लेते हुए धीरे 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 ऊपर जाएंगे. अगेन ब्रीदिंग ऑब्जर्व करना है और स्टमक मूवमेंट फील करना है. ऊपर ज्यादा नहीं जाना है, उतना ही जाएंगे कि लोअर टमी हमारा, जो लोअर टमी है वो नीचे रहना चाहिए, ताकि जब भी हम ब्रीदिंग लेंगे छोड़ेंगे तो वहां पे अच्छे से मूवमेंट होगा और हमारे सारे ऑर्गन्स को वापस अच्छे से मसाज मिलेगा. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर डायबिटीज, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम. इवन इसमें हम जब ऊपर जाएंगे तो हमारे लंग्स भी ओपन होते हैं अच्छे से, तो हम ऑक्सीजन अच्छे से अंदर ले पाते हैं. भुजंग आसन इज वेरी गुड आसन. ये बैक के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बैक को भी अच्छे से आराम मिलता है. जब भी हम सुबह को सो के उठेंगे, कभी कभी पूरी रात में पूरी कमर हमारी जकड़ जाती है, तो पहले उठते ही हमें ये भुजंग आसन कर लेना चाहिए, फिर ही बेड से पैरों को नीचे रखना चाहिए ताकि बैक थोड़ी फ्री हो जाए. ओके, सांस छोड़ते हुए स्लोली नीचे आएंगे. वापस एक बार करेंगे, सांस लेते हुए स्लोली कम अप. ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग एंड फील द स्टमक मूवमेंट. 5, 4, 3, 2, and 1 सांस छोड़ते हुए स्लोली कम डाउन. लास्ट टाइम और एक बार करेंगे भुजंग आसन. एल्बोज अंदर, सांस लेते हुए स्लोली स्लोली जैसे एक एक वर्टिब्रा ऊपर जा रहा है वो फील करना है और लेके जाना है. फास्ट, एकदम से फास्ट ऊपर नहीं जाना है, वो कुछ काम कर सकता है. स्लोली स्लोली ऊपर लेके जाना है. होल्ड देयर फॉर 10 seconds. ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग एंड फील द स्टमक मूवमेंट. 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale, slowly come down. Okay. एक साइड टर्न होके बैठ जाएंगे, प्राणायाम करेंगे हम लोग. अभी प्राणायाम के लिए वापस कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर ले लेंगे. अगर किसी से पद्मासन हो रहा है, पूरा पूर्ण पद्मासन नहीं हो रहा है तो अर्ध पद्मासन, सिर्फ राइट लेग लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे तो अर्ध पद्मासन हो गया. लेकिन अगर किसी से हो रहा है पूर्ण पद्मासन तो कर सकते हैं. और अगर किसी से पद्मासन नहीं हो रहा है तो सिद्धासन भी बहुत ही बेस्ट आसन है मेडिटेटिव पोस्चर के लिए.
लेफ्ट लेग को पूरा अंदर डालेंगे, राइट लेग उसके ऊपर एंकल के ऊपर एंकल आए वो ध्यान रखना है, और फिंगर्स को अंदर लॉक करना है, और ये फिंगर्स हम लोग ऊपर खींच लेंगे। सिद्धासन इजी भी है, लगभग सबसे हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है तो पलाठी मार के सुखासन में भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सबसे पहले हम चंद्र भेदन प्राणायाम करेंगे। चंद्र भेदन मतलब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, इसे हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, वो मन को शांत करता है, चंद्र की जैसी शीतलता देता है। उसके लिए हमें लेफ्ट से सांस लेनी है और राइट से सांस छोड़नी है। यही सेम हम लोग 10 टाइम करेंगे, एवरी टाइम लेफ्ट से लेना है राइट से छोड़ना है। ओके, 10 बार करेंगे, 5-5 काउंट हो सके तो करेंगे, नहीं तो जिससे जितना काउंट होता है उतना करेंगे। ओके, सांस लेंगे 5 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, और सांस छोड़ेंगे राइट से 1, 2, 3, 4, 5। ये होल्डिंग के साथ भी होता है, लेकिन जिससे होता है या कोई पहले से कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग है तो खाली लेके छोड़ सकते हैं। ओके, उसके लिए नासग्रह मुद्रा करनी है। फर्स्ट टू फिंगर्स ऑन योर आईब्रो सेंटर, थंब से हमें राइट नॉस्ट्रिल को हैंडल करना है और थर्ड फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हैंडल करेंगे। फर्स्ट टू फिंगर्स ऑन योर आईब्रो सेंटर, जहाँ पे आग्नेय चक्र है हमारा, और यहाँ पे हमें सिन मुद्रा करनी है। लेफ्ट हैंड से सिन मुद्रा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट से छोड़ेंगे, वापस लेफ्ट से सांस लेंगे, स्लो एंड डीप ब्रीथ, राइट से छोड़ेंगे। अगेन इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, नेक को स्ट्रेट रखना है, ज्यादा पीछे ना चला जाए, नहीं तो वर्टिब्रा में पीछे प्रॉब्लम हो सकता है। नेक पूरा बॉडी अलाइनमेंट में होना चाहिए, शोल्डर नेक और पूरा बॉडी अलाइनमेंट। ओके, कभी कभी ये करने में ऐसे हो जाता है तो उसे हमें संभालना है। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, हर बार लेफ्ट से सांस लेनी है और राइट से छोड़नी है। 10 बार करेंगे, लेफ्ट से लेंगे राइट से छोड़ेंगे। ये प्राणायाम करने के बाद रात को नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है, क्योंकि मन एकदम शांत हो जाता है। टेन टाइम हो जाने के बाद दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ सिन मुद्रा में रखेंगे। अभी हम विद्युत क्रिया करेंगे। विद्युत क्रिया बीपी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स माइंड, स्लोली इनहेल फ्रॉम नोज, नाक से सांस लेंगे और स्लोली मुंह से ब्लो करना है, स्लोली करना है, जैसे हम लोग कैंडल ब्लो करते हैं वैसे ब्लो करना है, फूंक मार के, लेकिन आराम से करना है, जोर से नहीं करना है। पहले सांस लेंगे, मैं एक बार करके दिखाती हूँ, फिर सब लोग करेंगे 10 टाइम। सांस लेंगे नाक से,
सभी लोग करेंगे साथ में। ये लेट के भी कर सकते हैं, ये वेरी बहुत ही रिलैक्सिंग प्राणायाम है। विद्युत क्रिया, हाइपरटेंशन, हाइपर एसिडिटी, बीपी, मन को बहुत शांत करता है, रिलैक्सेशन देता है। सब लोग कंटिन्यू करेंगे, 10 बार करना है, चालू रखें। बहुत ही रिलैक्स होके करना है। अगर किसी को बीपी है तो ये डेली करे, इससे फर्क पड़ जाएगा, गारंटी। मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को जिसको बीपी था उन्हें ये और साथ में कई सारे सब करा के उनको नॉर्मल करवाया है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, 10 बार हो जाने के बाद अनुलोम विलोम करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ओके, पूरी साइकिल करनी है। जब हम लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे, वो एक राउंड हुआ। वैसे हम लोग 5 राउंड करेंगे और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन स्लो एंड डीप ब्रीद इन एंड स्लोली ब्रीद आउट। स्लो और गहरी सांस लेनी है और स्लोली सांस को छोड़ना है, घाय घाय करके या खींच तान करके नहीं करना है, एकदम रिलैक्सिंग ओके करना है। ओके, तभी स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्लोली लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेके वापस लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक राउंड हुआ, वैसे 5 राउंड। एवरीवन स्टार्ट अगेन नासाग्रह मुद्रा, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, inhale from right and exhale from left, again inhale from left, exhale from right, inhale from right and exhale from left, अगेन इनहेल फ्रॉम लेफ्ट। ये रिलैक्स होके करना है, सिर को ऊपर बिल्कुल नहीं करना है, बैलेंस अलाइनमेंट में बॉडी रखना है। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लास्ट टाइम लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे। ओके, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उसके लिए हम जो हमारा है वो कान में रहेगा, बंद हो जाएंगे कान। इसके लिए कान बंद करने से पहले मैं जो बोलती हूँ वो आप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। फर्स्ट फिंगर ऑन योर आईलिड, आईलिड के ऊपर पहली उंगली रखेंगे, दूसरी उंगली हमारी जो नाक का जो यहाँ पे हड्डी है वहां पे रखेंगे, तीसरी उंगली नाक के नीचे और चौथी उंगली लिप्स के नीचे। चारों उंगली को ऐसे सेट करेंगे और थम कान में, फिर हमिंग साउंड करना है, भमरे की साउंड, सांस लेके हमिंग साउंड में सांस छोड़नी है, मुंह बंद रखना है, नाक से ही सांस निकालनी है। ओके,
रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे, प्राण मुद्रा करेंगे। फर्स्ट टू फिंगर्स स्ट्रेट और लास्ट टू फिंगर्स हमको टच करके दोनों हम सामने सामने आए वैसे नी पे हाथ रखने हैं। ये प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इससे प्राण वायु अच्छे से अंदर जाता है, ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जा पाता है। हम ये रख के 11 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। फाइनली सभी लोग बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज, आंखों को बंद करके इनहेल last time. Oh.
दो तीन गहरी सांस लेंगे। फील द वाइब्रेशन। ओके, नाउ रब योर हैंड अपॉन योर आईज। आंखों को अंदर ब्लिंक करेंगे हाथ के अंदर। रब योर हैंड्स ऑन योर फेस, योर शोल्डर, योर हैंड, योर बॉडी, योर लेग, फील योर टोज। नमस्ते। ग्रेटिट्यूड करेंगे, उपकार मानेंगे हम प्रभु का, गुरु जी का, हमारे पेरेंट्स का और सारे नेचर एलिमेंट्स का, सबका धन्यवाद करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे जस्मीना जी ने 1 घंटे से लगातार आपकी पूरी बॉडी को स्वर्ण काया बना दिया है। कोटि कोटि प्रणाम जस्मीना बेन, तमारो खूब खूब आभार के आटलू बधु तमारा बिजी शेड्यूल में शोर्ट नोटिस में तमे अमने टाइम आप्यो छे। और आप सब लोगों को भी बहुत आनंद धन्यवाद। आया होगा, बहुत दिल से काफी समय से मैं देख रहा था। आप सभी लोग भी ये पवित्र योग साधना के अंदर सम्मिलित होकर के अपनी काया को पवित्र कर रहे थे, मन को पवित्र कर रहे थे। तो हम सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से हमारे बीच में जो पधारे हैं आमंत्रित मेहमान जस्मिना जी का स्वागत करेंगे। और इसी तरह से आपने जो हम सबको आशीर्वाद दिया है, आपकी जो सिद्धियों को सिखाया है, उनके लिए हम आपके लिए बहुत 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 आपके आभारी हैं। और आपकी खास फ्रेंड और हमारी बंबई की एकदम जोरदार भक्तामर हीलर जिन्होंने हमें जस्मिना बेन से परिचय कराया, ऐसे जिग्ना बेन का भी कोटि कोटि प्रणाम और उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। ये अभी शुरुआत है। हमारा जो अगला सत्र सत्र आने वाला है भक्तामर काया कल्प, पूरी तरह से आज इन्होंने 20 तो बोध दिया है, लेकिन उसको पूरी तरह से हमको चरितार्थ करना है। सारे आसन, सारे प्राणायाम, सारा ध्यान। और एक एक व्यक्तियों को अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिले में जाकर के सैकड़ों लोगों को सिखाना है। आज हम 10 एक मिनट क्लास लेंगे, उसके बाद कल सुबह में 5:30 बजे खालसा वियोग की पूजा है, जिसमें आप सभी को जुड़ना है। सभी को कैसे जुड़ना है, यंत्र सबका पास आ गया होगा, सामान आ गया होगा। जिसने कर ली है उसको जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप जुड़ना चाहते हो, सामूहिक का फल प्राप्त करना चाहते हो, तो बैठे बैठे वह सगरम स्तोत्र का जाप आपको करना है। कल कोई भी रह गया है, कल भाद्रपद अमावस्या है, तो कोई व्यक्ति रह गया है तो उनका आखिरी में हम तर्पण भी करा देंगे। तो पितृदोष की पूजा भी साथ में करा देंगे, कालसर्पयोग की भी करा देंगे। तो आपके जो भी रिश्तेदार बचे हैं, जो कुछ भी रह गए हैं, वो सब लोग बराबर 5:30 से 6:30 बजे कल के हमारे मॉर्निंग अर्ली सुबह में फेसबुक सीधा चालू करके आपको बैठ जाना है। एक चीज ये हो गई। दूसरे नंबर की जो अगत्य की बात है, खास करके अभी पूजा जी आपको यंत्र का, पीडीएफ का, सामान का सब कुछ समझा देंगे। कुछ भी कम है, कुछ भी ज्यादा है, भाव पूजा, ध्यान पूजा सबको खास 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 करनी है। रविवार को ये 2-3 तारीख ये खास आप लिख लीजिए। कल हमारा, वैसे तो आज हमारा क्लास का आखिरी दिन है, कल पूजा होके खत्म होने वाला है, लेकिन कल एक बार अपन और मिलेंगे। मैं हजारों बार बोलता हूँ कि मुझे 1 करोड़ भक्तामर हीलर पूरे विश्व में तैयार करना है। तो उसकी पूरी जो प्रिंट है वो रेडी होके आ गई। किस प्रकार से हम पूरे हर गांव में, हर शहर में, हर राज्य में जाएंगे, ऐसे सैकड़ों हीलर, सैकड़ों योगी गुरु, सैकड़ों विशिष्ट कोटि के साधक। तो उसके लिए गूगल की कल हम लिंक जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर आप सभी को जुड़ना है। 250 ऐसे हम तेज तरह कि मतलब बोले और लाखों लोग तालियों की बरसात करें, लोगों में जुनून चढ़ जाए। खास मैं आप सभी को आज बताना चाहूंगा कि 1 महीना के अंदर 3 आपको पिक्चर देखनी है, जिसके अंदर आज एक पिक्चर का नाम बताता हूं, मिशन मंगल। सभी को खास जब भी फ्री हो जाओ तब तो आप ये पिक्चर देखना है कि कैसे हम मिशन की तरह, हमें भक्तामर हीलिंग जो साधना है
उसको मिशन बनाना है, तो हम ऐसे 250 चुनिंदे जो जबरदस्त जैन शासन को समर्पित हो जाए, ऐसे युवा, मुझे 15 साल की लड़की से लेकर के, लड़के से लेकर के 90 साल के व्यक्ति भी है, लेकिन जिसमें जनून है, जज्बा है जैन शासन के लिए कुछ करने के लिए, जिसका लक्ष्य नक्की है, जिसका समय नक्की है, आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी हम सारी चीज आपको सिखाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में कि मुझे जैन शासन के लिए कुछ ना कुछ करना है, वो सभी लोगों का स्वागत है। तो कल हम आपको एक गूगल की लिंक देंगे जिसका भी पूरा विगतवार कल आपको समझाएंगे कैसे संगठन बनेगा, कैसे पूरी सोशल मीडिया के ऊपर चारों तरफ से ऐसी शुभत्व कामनाओं का बाण चलेगा, वातावरण का शुद्धिकरण होगा, तो हम कैसे करेंगे। साथ साथ में अभी जो ये रविवार आ रहा है, रविवार को जितने भी सौराष्ट्र के अंदर, खास लिख लेना, जितने भी हमारे साथ में फेसबुक से देख रहे हैं, जितने भी हमारे साथ में यूट्यूब से देख रहे हैं, तो रविवार को खास करके जामनगर और जामनगर के आसपास के जितने भी छोटे मोटे गांव से लोग जुड़े हैं, उन सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी। उसका जूम आईडी सीधी तरह से, जिनको भी अब पूरी तरह से हाई लेवल पे काम करना है, जिसको भी अब बराबर आगे आकर के इसको ही जुनून बनाना है, इससे माध्यम से लाखों लोगों को जोड़ना है, लाखों लोगों को ठीक करना है, तो रविवार को दोपहर में जामनगर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, जितने भी भक्तामर हीलर हैं, हीलिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी आप रुके हुए हो, तीन टॉपिक के ऊपर सभी को 5-5 मिनट बोलना है। और सोमवार को जितने भी हमारे राजकोट के लोग हैं, प्रहलाद प्लॉट के अंदर मैंने जबरदस्त भक्तामर शिविर कराई, 300 लोग आए थे, तो प्रहलाद प्लॉट वाले सारे लोग, जितने भी राजकोट के अंदर जुड़े हुए हमारे भक्तामर कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग सोमवार को हम दोपहर में भी, दोपहर में 4 बजे, 4 से 4:45, 45-45 मिनट की शिविर होगी, जिसके अंदर 5 मिनट मैं बोलूंगा, 5 मिनट पूजा बेन बोलेंगे, और बाकी हमारा पूरा संवाद होगा। सौराष्ट्र के प्रत्येक गांव के अंदर हमारा एक भक्तामर हीलर होना चाहिए। कैसे हम पहुंचाएंगे, कैसे, मैंने 3 महीने से आपको मैं तैयार कर रहा हूँ, 3 महीने से आपके अंदर तो जबरदस्त खुशहाली आ गई, अब काम करने का समय आ गया है। आप योग के गुरु है, आप आईटी के एक्सपर्ट है, आप कोई भी क्षेत्र के अंदर लीडर हो, आप कोई संस्था चलाते हो, आप कोई संस्था के सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, तो किस प्रकार से हम जैन धर्म की सात्विकता को, जैन धर्म के संदेश को अणु अणु में, परमाणु में पहुंचाए। तो ये 3 जाहिरात हो गई, और आखिरी 2 लाइन आज मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो भक्ति है, आपकी जो साधना है, आपकी जो प्रार्थना है, सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन अद्भुत आनंद आ रहा है, और आनंद की चरम सीमा आज हमने जो ध्यान किया है, आज हमने जो ध्यान किया, आज हमने जो योगासन किया, जिसकी 4 आधार हमारे पूरे मिशन का मुख्य 4 आधार, कागज पेन के अंदर सब लोग लिख लीजिए, क्योंकि पहले नंबर के अंदर हमें ये सारी चीज सीखते हुए, सारा धर्म प्रचार करते हुए आत्मा की अमरता प्राप्त करना है। फिर से क्यों करना है, तो क्या करना है कि आत्मा की अमरता, दूसरे नंबर के अंदर आनंद मेरा स्वभाव है, भक्तामरलिंग क्यों सीखना है, भक्तामरलिंग का क्यों प्रचार करना है, जो बांटोगे वो मल्टीप्लाई होकर के आएगा, खेडू गेहूं के अंदर, खेती खेती के अंदर गेहूं बोता है, एक मुट्ठी डालता है मल्टीप्लाई होकर के आता है। आप चाहते हो कि आपका बड़ा से बड़ा काम हो जाए, धनतेरस के दिन मैं एक अनुष्ठान कराने वाला हूं जिनका मिनिमम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हो चुका है, जिनकी लंबे समय से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी रुकी हुई है, जिन्होंने ठग लिया है किसी ने आपको, और करोड़ों का नुकसान हो चुका है, और आप चाहते हो कि वो रिटर्न हो जाए, आपको लग रहा है कि ये मुझे कभी नहीं मिल सकता है, ऐसे चैलेंजेबल 108 व्यक्ति के ऊपर अद्भुत श्रीयंत्र का विधान हम करने वाले हैं, क्योंकि आनंद मेरा स्वभाव है। 108 बार रोज बोलिए कि आनंद मेरा स्वभाव है, आत्मा की अमरता मुझे चाहिए, आत्मा की स्वतंत्रता मुझे चाहिए। आत्मा की स्वतंत्रता यानी जो सास पीड़ित है बहू से, जो बहू पीड़ित है सास से, बेटा कर्जा में डूब गया है, कर्मों से बंध गया है, शराब पीने का छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, आत्मा के गुणों का विकास नहीं कर रहे हैं, तो कि ध्यान का, भक्तामर रिलिंग साधना का 3रा चरण है आत्मा की स्वतंत्रता। आप जो चाहते हो
वो सम्यक भाव से सारी चीजों को पूर्ण कर सको। और चौथा नंबर का अतिशय बड़ा पॉइंट, पूरे पन्ने में जितनी भी जगह है वो इतना बड़े अक्षरों में आप लिखिए कि मैं दुख भोगने के लिए जन्मा नहीं हूं। तो खास एकांत में रहिए, एकाग्रता के साथ रहिए, श्वास संयम और प्रसन्नता के साथ में, चारों जो हैं वो साधक के लक्षण हैं। और चारों साधक के लक्षण के अंदर खास 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 दो वाक्य रोज बोलना है कि जो मन के अनुकूल हो जाए, जो आप सोच रहे हो वो अनुकूल हो जाए, तो कि मन के अनुकूल हो जाए तो कहिए प्रभु कृपा। क्या बोलना है? आपने सोचा कि मेरा काम ये हो जाए और हो गया, तो इसमें प्रभु की कृपा है। और मन के प्रतिकूल हो जाए, आपने सोचा कुछ और हो रहा है कुछ, तो वहां पर आपको बोलना है कि इसमें ही प्रभु इच्छा है। मन के अनुकूल हो जाए तो बोलना प्रभु कृपा, भक्तांबर कृपा। और मन के प्रतिकूल हो जाए तो इससे मुझे बहुत सीखना है। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए। खास मिशन के पीछे भागना है पर चिंता में नहीं रहना है। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, कि चिंता इतनी मत कीजिए। ध्यान से सुनना सभी लोग, कि चिंता इतनी मत कीजिए कि जिंदगी तमाम हो जाए। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, पास होगी, पैसा आएगा, नौकरी बढ़ेगी। अतिशय तनाव के अंदर रहोगे तो जिंदगी का मजा, जो युवा अवस्था है, वृद्धत्व अवस्था है, कौन जो विशिष्ट प्रकार की चीजों को सीखना है, देखना है, समझना है, उनको फील करना है, तो आखिरी के अंदर दो बात कर करते हमारे पूजा जी जुड़ेंगे, चिकना बेन को भी बोलना है तो वो भी बोलेंगे। लेकिन इसके पहले एक बात समझ लेना कि ठोकर इसलिए नहीं लगती, ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए। ध्यान से सुनना सभी लोग, ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। आपको ईश्वर संकेत दे रहा है, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। पर उस समय भी जो इंसान नहीं जगता है, यदि आप समय के नहीं हुए तो समय कभी आपका नहीं होने वाला है। और आखिरी बात, परिवार को आनंदमय बनाने के लिए जो महासाधना भक्तांबर लिंग की साधना चल रही है, कैसे खिलेंगे रिश्तों में प्रेम मिठास के फूल, कैसे खिलेंगे रिश्तों में प्रेम मिठास के फूल अगर ढूंढते रहेंगे, अगर ढूंढते रहेंगे एक दूसरे में भूल। इसकी गलती ढूंढो, इसकी गलती ढूंढो, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। जीवन के अंदर कभी भी प्यार को प्राप्त कर सकोगे नहीं। प्यार को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, अनुभूत करना है। तो आखिरी बात गुरुदेव बता रहे हैं कि आनंद लूट ले बंदे, एसी है, फ्रिज है, फ्रिज का तो पानी नहीं पीना है, लेकिन जो भी चीजें हैं, बेडरूम अच्छा है, हॉल अच्छा है, किताबें अच्छी है, पति अच्छा है, सब अच्छा ही है, तो उसको क्या करेंगे? तो कि आनंद लूट ले बंदे, प्रभु की बंदगी का। आप सब लोग दुनिया के इतने महान लोग हो, इतने करोड़पति लोग हो, इतने खूबसूरत लोग हो, कि आपके पास जो चीज है वो चीज दुनिया के 95% लोगों के पास नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, पता नहीं कब छूट जाए, पता नहीं कब छूट जाए साथ जिंदगी का। प्रत्येक पल को आनंदमय, ऊर्जावान, खुशीमय, सफलतामय और जीवन को और एक कदम आगे लेकर ले जाने की भावना में, साधना में भक्तांबर लिंग आपको बहुत मदद करे, बहुत सफल बनाए। आज हमने एक बहुत शानदार प्रयोग किया जिसके अंदर जस्मीना जी ने बहुत हमें साथ दिया है।
जी हाँ, खास करके हमारे जिग्ना जी ने भी बहुत साथ दिया है। तो आप सभी लोगों ने बहुत कुछ आज सीखा होगा, लिखा होगा। ये वीडियो खास आपको डाउनलोड करके कल परसों यूट्यूब पर चढ़ जाएगा, डाउनलोड करके रखना है। हर वीक जैसे आज आपको सिखाया है उसी तरह से बराबर योगा करते रहेंगे, ध्यान की साधना सीखते रहेंगे। अवश्यमेव 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 आपके जीवन के अंदर परमानंद की अनुभूति होगी, परम सफलता की प्राप्ति होगी। बराबर 4:30 बजे 4:45 बजे उठ जाना, नहा धोकर के रेडी होकर शुद्ध वस्त्र पहनते हुए काल सर्पयोग की पूजा हम करेंगे, जिसका भी तर्पण रह गया। कल अमावस्या है, तो खास खास हमारे में से पूरी नकारात्मक जितनी भी एनर्जी है वो सगर हम साधना करेंगे। जिसका भी पूजन हो गया, जो जल्दी उठता है वो सीधा जल्दी जल्दी बैठ जाना है। और इसी के साथ में सभी लोग आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व भर में इस महामंगलकारी साधना भक्तामर चातुर्मास की आराधना प्रत्येक व्यक्ति के भीतर के अंदर, जो जो भी लोग 50 साल के ऊपर है, आज ही मैंने बम्बई में 2 से 3 वडिलों से बातचीत की है कि जो जो भी 50 साल के ऊपर है और जिनके पास महीने में सिर्फ 4 घंटे का टाइम है, हर वीक में 1 घंटा, वैसे सारी वडिल माताओं का हम स्वागत करते हैं। मैं उन सभी लोगों को आह्वान करता हूँ। और कल के पूरा, कल का आखिरी दिन है, वैसे तो आज आखिरी दिन था लेकिन आज हमने योगा रख दिया, तो कल सुबह में पूजा करेंगे और कल से आखिरी दिन, कल से आपको भक्तामर लेवल 1 साधना और भी जितना भी हमने फेस जो एप्लीकेशन में डाला है वो सारा 4 बार 5 बार रट लेना है। एकदम नींद में भी कोई आपको बोले तो सड़सड़ासठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमको बड़े बड़े सपने, आपके बेटे को बहुत आगे बढ़ाना है, बहू को आगे बढ़ाना है, पोते को स्वस्थ बनाना है, उसके लिए इनसे बढ़िया जगत में कोई दवा नहीं है। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में भक्तामर रिलिंग साधना हम लेकर के जाएंगे, कैसे 1 करोड़ से भी ज्यादा हमारे पास रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे 1 करोड़ लोग साथ में मिल करके भक्तामर का जय घोष पूरे विश्व के अंदर गजाएंगे, हर जिले में, हर शहर में, हर छोटे छोटे गांव के अंदर ये महामंगलकारी साधना को हम कैसे पहुंचाएंगे। काफी साल से 2016 से हमारा संगठन बहुत सक्रिय बना, 12 साल से मैं साधु साधुओं को पढ़ाता हूँ। ये 2016 से लेकर 2020 तक 4 साल के अंदर हमने 25 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जाना है, समझा है और उनको जागृत किया है। अब हमको सीधा 2020 के अंत चरण के पहले 50 लाख लोगों तक कैसे भी करके पहुंचना है। तो आज मेरी आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप अभी तक जैन अनुष्ठान का पेज है, यूट्यूब का चैनल है, ट्विटर है, हमारा अकाउंट है, एप्लीकेशन अभी आपके जितने भी घर में फोन है, जितने भी हमारी सारी सर्विस है फ्री वाली है, तो आप खुद लीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस के साथ में लीजिए। और मनुष्य का हृदय वही दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, आपका जो हृदय है वो इतना पवित्र हो चुका है, अब भीतर के अंदर नवरात्रि के पवित्र दिनों में ऐसी माँ भगवती पद्मावती माता, राजराजेश्वरी महालक्ष्मी माता, सरस्वती माता, आसो सुदी पंचमी के दिन सूरत के अंदर श्री माणिभद्र वीर दादा का महाहवन, दशहरे का पूजन करेंगे, कुल देवी का स्थापन करेंगे। और ये सभी की दिव्य शक्तियां, भव्य शक्तियां, पवित्र शक्तियां आपको एक लेवल ऊपर लेकर के जाए, वैसा सदा हमारा प्रयत्न रहेगा। आप सभी का सदैव साथ मिलता रहे, इसी भावना से आइए हम पहले 2 मिनट जिग्ना बेन को सुनते हैं और फिर पूजा जी जो है वो आखिरी बातें बता करके आज का कार्यक्रम का अपन समापन करते हैं। अनम्यूट थे जाओ जिग्ना बेन। हेलो, आवाज आवे? जय जिनेन्द्र प्रणाम गुरुजी, पूजा बेन अने जसवीना जी, आवे छे अवाज? बंद कर दूं?
जस्मीना जी आपका आभार व्यक्त करते हुए यह कहना चाहूंगी कि आपने कीमती समय निकालकर हमें योगा सिखाया और योग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज के युग में तेजी से बढ़ने वाला डायबिटीज के लिए भी आसन सिखाया, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे आशा है कि हमारे जैन अनुष्ठान परिवार को आपका सिखाया हुआ योग ज्ञान पसंद आया होगा और योग करने की अच्छी स्वस्थता को प्राप्त करेंगे। थैंक यू जस्मीना जी, निकुंज गुरु जी और पूजा बेन, आपका तो क्या कहना। आज योग का क्लास रख के हमें धर्म के साथ योग सिखाकर ज्ञान की बढ़ोतरी कर दी। आप तो धर्म का ज्ञान तो देते ही है, साथ में योग सिखवाकर हमको सक्रिय अनुभूति से हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। अंत में यह ही कहना चाहूंगी कि हम सब एक शून्य हैं। हमको शून्य का ज्ञान बताया और हर एक अंक के साथ जुड़कर उनका महत्व समझाया। ऐसा अकल्पनीय ज्ञान पाकर हमारे जीवन जीने का नजरिया ही बदल दिया। निकुंज गुरु जी और पूजा बहन, आपसे एक ही आशा है कि हमारे जीवन के अंत तक ऐसे ही ज्ञान देते रहिए। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। थैंक यू। नाम जय जिनेंद्र। पूजा बहन वधि कालनी जाहिरात करे तो। हाँ, नाम जय जिनेंद्र। जस्मीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से उन्होंने योग सिखाया और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छे से योग किया है, इसी योग साधना को कंटिन्यू करते रहिए। बहुत जल्द हम पूरा, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिक्लेयर किया, बहुत जल्द ही पक्तामर काया कल्प लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच जस्मीना बेन। एंड एक चीज जो कल के अनुलक्ष में बोलना चाहूंगी, तो कल रात को हमारी जो क्लास होगी, जो हमारी लास्ट कल द्वितीय चरण की फाइनल क्लास होगी, उसकी तैयारी के तौर पे आपको कुछ लिस्ट बना के अपने पास ही रखनी है। लेटर ऑन कल मैं पूरा डिक्लेयर करूंगी कि किस चीज के लिए ये लिस्ट आपको बनानी है, आपको कैसे गूगल फॉर्म भरना है, वो सारा चीज मैं आपको कल रात की 9 बजे की क्लास में बताऊंगी। पर आज के लिए जस्ट आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको ऑन पेपर आपकी स्ट्रेंथ लिखनी है। स्ट्रेंथ यानी आपके अंदर क्या पॉजिटिव पावर्स है, क्या शक्तियां हैं आपके अंदर छिपी हुई, उसका आपको लिस्ट बना के रेडी रखना है, पहला चीज। दूसरा चीज आपको रेडी रखना है आपकी वीकनेसेस, आपको कहाँ पर ऐसे फील होता है कि यहाँ पर मैं डाउन हूँ, इस एरिया में मुझे काम करने की जरूरत है और इस वीकनेस को मैं प्लस पॉइंट बनाऊ। ऐसे ही आपकी जितनी भी वीकनेसेस है, नेगेटिव पॉइंट्स जो आपको आपके अंदर लगते हैं, उसका लिस्ट बनाइए। तीसरा चीज, आपकी ऐसी ऐसी खूबियां, ऐसी ऐसी हॉबीज कि जिसको आप चाहते हो प्रोफेशन में आप चेंज कर सको, उसका भी आप एक लिस्ट बना लीजिए, आपकी खुद की हॉबीज। नेक्स्ट आपको एक लिस्ट बनाना है, फोर्थ पॉइंट, कि आप भक्तावर हीलिंग सीख के क्या प्राप्त करना चाहते हो, आपका एम क्या है भक्तामर हीलिंग सीखने का, और भक्तामर हीलिंग सीख के आप खुद क्या अचीव करना चाहते हो, ये कोई भी इसके अंदर आंसर हो सकता है। और अंत में एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सोच के रखिए, जैसे गुरुजी ने बताया हमें ऑलरेडी कि घर घर के अंदर हमें भक्तामर का नाच जगाना है, घट घट के अंदर हमें दादा आदिनाथ की ऊर्जा का वास करवाना है, तो हम जन शासन में क्या ऐसा काम करें, क्या हम ऐसा योगदान दे। आप खुद अपने लिए सोचिए कि आप क्या ऐसा योगदान दे सकते हो, आप कौन से ग्रुप में कहाँ पर क्या काम कर रहे हो, और आप किस तरीके से उन्नति की ओर भक्तामर को लेके जा सकते हो, जैन शासन को और एक नया सितारा बना सकते हो। इस चीज का आंसर आप अपने पास अभी के लिए लिख के रखिए, एक बहुत जरूरी बात है। इसके बारे में और डिटेल में इसका पूरा जो वर्कशीट है, गूगल फॉर्म कैसे भरना है, क्यों भरना है, वो सब कल रात के 9 बजे के जूम क्लास पर होगा। कल रात का जूम का आईडी सेम होगा जिससे आप अभी जुड़े हो, सेम जूम आईडी रहेगा कल रात का 9 बजे का। ये दूसरी बात हो गई।
कल सुबह की बात करते हैं। कल है बहुत ही खास महत्वपूर्ण अमावस्या, और कल जैसे अभी हमने बात किया कि काल सर्प योग का विधि और पितृदोष का भी साथ में हम विधि करवाने वाले हैं, तो अगर आपके पास ये सारी सामग्री है जो मैं बोल रही हूँ तो उसको इकट्ठा करके रखिए, और अगर आपके पास सामग्री नहीं है आप भाव पूजा कर सकते हैं पहली बात, और दूसरा चीज अगर आप एक बार काल सर्प दोष निवारण का पूजा कर चुके हैं तो आपको करना है तो आप कर सकते हैं, वरना भाव पूजा करिए। तो उसके लिए आपको नारियल, कुमकुम, नमक पाउडर, हल्दी पाउडर, ब्लैक राई यानी सरसों, नींबू और नमक का एक टुकड़ा, इतनी सामग्री रख के हमारा जो यंत्र है ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर हमारा यंत्र हमने डाला हुआ है। सिक्स्थ फोल्डर भक्तामर चातुर्मास, उसके अंदर फोर्थ फोल्डर यंत्र विभाग, उसके अंदर सेकेंड ऑप्शन काल सर्प यंत्र। आप जैसे वहां जाएंगे आपको मिल जाएगा, 95% लोगों को ये यंत्र मिल चुका है, फिर भी अभी भी आपका बाकी है तो आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने जो काल सर्प दोष विधि का यंत्र यूज किया था वो सेम ही यंत्र हमें यूज करना है। कल मॉर्निंग 5:30 सुबह 5:30 को आपको सीधा जैन अनुष्ठान के फेसबुक पेज पर जाना है। कल सुबह 5:30 का जूम का कोई भी आईडी नहीं है, जूम का कोई भी लिंक नहीं है, आपको डायरेक्टली जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज पर जाना है। तो इसी के साथ कल की मंगलमय साधना करते हुए, दादादिनाथ दादा पार्श्वनाथ की भक्ति करते हुए, लास्ट में एक लाइन कह के खत्म करना चाहूंगी कि पीपल आर टच्ड मोर बाय व्हाट यू डू देन व्हाट यू से। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, पीपल आर टच्ड बाय मोर व्हाट वुड यू डू रादर देन व्हाट वुड यू से। तो आप अपने कर्मों के द्वारा प्रसिद्ध हो, आप काम ऐसा करो कि आपका काम आपको नाम देके जाए। इसी मंगलकारी भावना के साथ दादादिनाथ की भक्ति करते रहिए, भक्तामर की मंत्र शक्ति का अनुष्ठान करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मंगलम सभी लोग साथ में खूब भावों के साथ में पंच परमेश्वरी परमात्मा के असीम आशीर्वाद मेरे भीतर के अंदर प्रवेश रहे, मैं पूर्ण शुद्ध बन रहा हूँ, मेरे सभी शुभ संकल्पों को गति मिल रही है। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत
का सहारा मेरा है। બધાને કોટી કોટી પ્રણામ. આપણે બધા કાલે મળીએ છીએ અને કાલે ઘણી બધી વાતો પણ કરીશું. બહુત સારા લોકો જીતને ભી સવાલ ભી હૈ વો ભી સબ રેડી રખેંગે કલમ જ્યાદા બાદ ઓર પૂરી ક્લિયરતા કે સાથ મેં બાત કરકે મિશન કી તરહ અભી હમ સભી દો મહિને બાતે કી હૈ અબ ઇસકો પૂરી તરહ સે વિસ્તાર કૈસે કરે. સેંકડો એસે લોગ હૈ, સેંકડો એસે ગાંવ હૈ, સેંકડો એસે લોગ જો ભક્તામર કી ભવ્યતા કો અનુભવ કરના ચાહતે હૈ વો પ્રત્યેક વ્યક્તિ તક હમ કૈસે પહોંચે कल के हम पूरे क्लास में सीखेंगे जानेंगे. कल यदि आप चाहते हो अमावस्या के दिन प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा नेमिनाथ भगवान धर्मरक्षित सुरेश्वर जी महाराज जिन्होंने नेमिनाथ भगवान की दिव्य भक्ति की है, साधना की है, तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो कल बराबर 5:15 बजे उठते हुए ध्यान करते हुए साधना करते हुए एक पवित्र आनंद को प्राप्त करें. यही मंगल भावना. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. नमस्कार. प्रणाम. जय जिनेन्द्र.